यह खबर घोला चीका से। घोला से कांग्रेसी विधायक देवेंद्र हंस द्वारा आज मंडी का दौरा किया गया। दौरे के दौरान किसान और मजदूरों ने देवेंद्र हंस को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि अनाज मंडी में मूलभूत सुविधाएं पानी लाइट और बाथरूम का प्रबंध नहीं है। सीजन शुरू होने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों और मजदूरों को मूलभूत सुविधाओं जैसी उपलब्ध करवाने के लिए मुश्किल सामने आ रही है, जिसको लेकर विधायक देवेंद्र हंस मौके पर मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और सचिव से बात की। मार्केट कमेटी सचिव ने विधायक की किसी भी बात का कोई संतुष्ट उत्तर नहीं दिया और अपने अधिकारियों से बातचीत करवाते हुए नजर आए। हाँ, मैंने यहाँ का दौरा किया है, मैं मिलना हुआ मेरे मंडी भाई और अड़तियों से भी, किसानों से भी, मजदूरों से भी। बाकी समस्या काफी दिक्कत आ रही है कि अड़ती भाइयों को भी है, मजदूरों को भी है। जैसे पानी पीने के लिए मजदूरों ने बताया, पानी पीने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं की, पानी नहीं मिल रहा, स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा और ना ही लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। और मेन बात ये आती है कि रात को काम करने के लिए कोई रोशनी वगैरह का प्रबंध नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कई दिनों से, यानी कि जब से मंडी शुरू हो रही है, तो लाइट की है तो दिक्कत आ रही है। प्रधान जी आपने बताया पहले ठीक थी, पहले ही अगर मैंने देखा तो वहां तो लाइट भी नहीं है। दिक्कत तो क्या आएगी, दिक्कत तो तब आती है जब लाइट हो खराब हो। और किसानों के लिए भी पूरा ये भी उठान वगैरह का उठान, वो चलो खाद का तो चलो विषय पहले तो ये अपना ये मंडी का विषय है कि यहाँ उठान नहीं हो पा रहा और पूरी तरह से व्यवस्था डमाडोल है यहाँ की। अधिकारी आते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, तो क्या उनके ऊपर सख्ताई की जाएगी? चलो जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी सख्ताई करूंगा। अगर अधिकारी मुझे अभी पता